हाय दोस्तों, मैं आपके क्रिएटिव जिलानी। ये वीडियो में आके एक 10 रुपये के खर्चे से हमें एक नॉर्मल चकला, एक नट बोल्ट से हमें एक वेट उठाने का स्टैंड बनेंगे। हमें बहुत आसान से बना सकते हैं स्टैंड। आप इसको ज़्यादा खर्चा भी नहीं पकड़ा, 10 रुपये पकड़ता। देखना आप कभी तभी आपको कार का हंधे सुमो हंधे एक पंचर हो जाता, समझ लीजिए पंचर हो गया टाइम हम ना टायर बदलाने के लिए वेट उठाने का स्टैंड इस्तेमाल करते ना, वही तरीके में ये चकले का स्टैंड भी आता। कहते ये उतना ज़्यादा वेट उठाते, थोड़ा वेट उठाता है। हमें नॉर्मल जो उठाते हैं वेट भी आसान से चकला उठा सकता है। आप छोटा नट बोल्ट से वो कैसे तैयार करना आपको आसान तरीके से दिखाता हूँ, चलिए देखेंगे। दोस्तों, वेट उठाने का हम ना को एडजस्टमेंट चकले का स्टैंड हमें बनेंगे, कैसे बनाने का आपको दिखाता हूँ। पहले हम ना को चकला ले लेना। चकला का साइज आपको इधर आको 3.5 है, इधर आको हम ना को 1.5 है, समझ लो इधर आको हम ना को 2 इंच है। ऐसा चकला एक ले लेना। हमारा नट कितना होना का, तो नट हम ना को नट बोल्ट 4 इंच है हम ना को। ऐसा 4 इंच का नट बोल्ट ले लेना, आपको 2 वाशर ले लेना। करेक्ट बोलना का, तो हमने ये साइज देख को हमें इसको चकला कट कर लेना। ऐसा करेक्ट आप ऐसा लेदर में थोड़ा लंबा रहना, चकले से भी 1 इंच ज्यादा रहना। ऐसे है तो स्टैंड बना सकते हैं। पहले हम लोग नट अंदर होल डाल को सेट करने के लिए हम क्या करना, तो बिट ले लेना, ड्रिलिंग बिट। ड्रिलिंग बिट कितना साइज आना का, तो आप कोई नट लेते कि ना वो नट का आप थोड़ा बड़ा वाला साइज ले लेना बिट। आप ड्रिलिंग बिट ऐसा बाजू रखो देख लेना, ऐसा सेम साइज बड़ा वाला। बात क्या करते हैं, तो आप चकला ले लेना। चकले का हमें इसे हम लोग सेंटर करके सेंटर में हमें होल डालना। होल डाल तो इधर ये साइड आ जाना हम लोग, ऐसा ड्रिलिंग बिट से होल डालेंगे वो हमें होल सेंटर होल। ओके ड्रिलिंग मशीन, ऐसा आप ड्रिलिंग मशीन आपके पास है तो ड्रिलिंग मशीन से होल डाल लेना। अच्छा होल इधर डाले इधर आ जाना ड्रिलिंग मशीन से। उसके बाद हमें मार्किंग डालेंगे अक्सा फ्रेम। दोस्तों आपके पास अक्सा फ्रेम नहीं है तो आप नॉर्मल ब्लेड से भी कट कर सकते हैं। ऐसा करेक्ट कट करना कटिंग। दोस्तों ऐसा करेक्ट से कट कर लेना आप। ऐसा कट करने के बाद आप क्या करते हो, तो ये थोड़ा सा पिसलने के लिए हमें क्या करते हो, तो कैंडल ले लेना आप। कैंडल ले लेकर मोमबत्ती इसको थोड़ा ऐसा अप्लाई करना पिसलने के लिए थोड़ा। ऐसा आप चकले को भी मोमबत्ती बाद में आपको नट बोल्ट को भी अप्लाई कर देना। ऐसा बोल्ट को से दो चकले क्या करते हो, तो ऐसे मिला लेना कट कर। ऐसे मिलने के बाद क्या करते हो, तो नट ले लेना बड़ा वाला, इसको वॉशर डाल देना। बाद में इसमें क्या करते हैं, तो इस साइड में से इसको निकाल लेना होल में से। ऐसे होल में से आने के बाद वॉशर डाल लेना। बाद में क्या करते हो, बोल्ट आता ना नट बोल्ट डाल देना। ऐसा नॉर्मल से ऐसा रहता है, हमें टाइट करते हैं तो क्या होता है, थोड़े जंप होता है। ऐसा हम लोग को इधर हाइट बढ़ता है। ऐसा पहले नॉर्मल से ऐसा होता, ऐसा हम लोग का हाइट बढ़ता, ऐसा हम लोग का स्टैंड काम होता है उठाने। कैसा है दिखा दो मैं, किससे इस्तेमाल होता है। छोटा स्टैंड का ही इस्तेमाल करते हो तो देख लेना। अब ये साइकिल है, ये बड़ी साइकिल है, हमें ये जिम है, जिम में हमें ऐसे साइकिल हंधे आपके घर में बीरवा हंधे टेबल हंधे नहीं करते, आपके पास बड़े बड़े स्टैंड हंधे कोई भी हंधे, आप क्या करते हो तो वेट उठा सकते नहीं। वेट बहुत सारा वेट होता है, ऐसे वेट आप उठा सकते हैं। एडजस्टमेंट करना का, तो आप ये छोटा चकला से हमें वेट उठा सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे उठाना है। कि ये जिम में की हैवी साइकिल है, इसको हमें हिला भी सकते नहीं। आप क्या करते हो, तो स्टैंड है ना ऐसा बना लेना आप चकले का। ऐसा बना लेने के बाद हमें थोड़ा गैप करना हम ना को नीचे साइड गैप है, तो हम ना सेट हो गया करना। ऐसा आसान से सेट करने के बाद ये घूम ही सका, ये नट घूमता होता इसे घूम ही सका रैड को। ऐसे पकड़ लेना कटिंग ब्लेड से, किसमें तो हंधे ये थोड़ा लंबा है तो हाथ से पकड़ सकते। बाद क्या कर देगा, तो ऐसा स्पान ले लो इसको टाइट कर देना ऐसा। अब हमें इसको ऊपर उठेंगे देख लेना, बोल्ट टाइट करता हूँ मैं। इधर हमने गैप क्या भी नहीं है, हमने को नहीं गया ना, अब हमें टाइट करना है। ये थोड़ा ऊपर उठेगा, हमें इसको आसान से सेट कर सकते हैं। इधर देख लेना ये ऊपर उठेगा, ये टाइट कर रहा हूँ मैं नट को। अब देख लेना इधर गैप आ गया हमना को, इधर तले देखना स्मूथ से हमना को ये नीचे जाके आता है, ये ऊपर उड़ गया हमना को। ऐसा बहुत सिंपल ट्रिक है, ऐसा होना का तो आप एडजस्टमेंट रख सकते हैं। कोई तो पेपर ऐसा थोड़ा चकरा रख सकते फिर लूज कर देना, नहीं का तो आप कोई तो प्रॉब्लम है तो रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा ऐसे रिपेयर करके फिर नॉर्मल सेट कर सकते हैं। कोई भी हंधे ऐसे स्टैंड आंग हंधे आसान से आप उठाने के लिए काम आता है। ओके अब क्या करते हैं, इसको लूज़ कर देंगे हमें, ये चुपके आपको दिखाने के लिए रखे, हमें निकाल देता हूँ इसको मैं इसको पैर के तले से। ओके नट लूज, इधर जाता है ना अंदर को, अब नहीं जाता है देख लेना। ओके ऐसे निकाल देना आप, अब नॉर्मल सेट हो गया। अब देख लेना
नहीं सेट होता है, हम लोग को नहीं जाता है। ये थोड़ा ऊंचा रहता समझ लीजिए, आपका टेबल बिरवा ऊंचा रहता समझ लीजिए, आप क्या करते हो सपोर्ट भी ले सकते हैं सर, नीचे सेट चकला की पत्थर की ऐसा रखो सपोर्ट ले लेको, ऐसा तालिया को सेट कर सकते हैं। ओके देखिए ना दोस्तों, ऐसा बहुत ही सिंपल से आपको ऐसा स्टैंड बना सकते हैं, आप चकले का 10 रुपया में जो ऐसा बना के ऐसा में वेट उठा सकते हैं सर, साइकिल हंदे आप बिरवा हंदे आप कोई इधर दीवान खाटो चकले का स्टैंड हंदे ऐसा आसान से उठा सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल से आप लिफ्ट कर को उसके तले एडजस्टमेंट कैसा कर सकते हैं आप, कोई तो काम है तो कर सकते हैं आप, ऐसा बना लेना आप, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ऐसा बहुत ही क्रिएटेड उसमें करता रहता हूँ। मेरे चैनल में तो चक्कर लेना, बहुत सारी वीडियो कर घूमें। ओके दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, देखते रहिए ऐसे क्रिएटेड इसमें, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका क्रिएटिव जिलानी।